इस बुलेटिन की शुरुआत दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से हम कर रहे हैं। आज भारत फ्रांस का रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ गया है। 25 साल के रणनीतिक रिश्ते की गवाह पूरी दुनिया बनी है जब भारत के प्रधानमंत्री बेस्टिल डे परेड के मेहमान बने। यही नहीं, भारत की तीनों ही सेनाओं की टुकड़ी ने सारे जहां से अच्छा की धुन पर शानदार मार्चिंग की और सोने पे सुहागा ये कि परेड के दौरान भारत से आए 4 राफेल विमानों ने भी हवा में हुंकार भरी। बेस्टिल डे यानी फ्रांस की आन बान और शान का दिन, और इस बार इस आन बान और शान में भारत की तीनों सेनाओं के मार्चिंग दल ने 4 चांद लगा दिए। वहीं इस परेड के दौरान भारत से आए 4 राफेल विमानों ने हवा में हुंकार भरी तो नजारा देखने लायक था। सेना की टुकड़ी का मार्चिंग की बात करें तो थल सेना के पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने कैप्टन अमन जगताप के नेतृत्व में पेरिस की सड़कों पर अपनी शानदार मार्चिंग की धमक जमाई। वहीं भारतीय नौसेना की कमान हुरत बघेल और वायुसेना के दल को स्क्वाड्रन लीडर सिंघू रेड्डी लीड कर रही थी। देश की सबसे पुरानी रेजिमेंट राजपूताना राइफल्स के बैंड ने सारे जहां से अच्छा की धुन से सबका दिल जीत लिया। आज फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर भारतीय दल के साथ फ्रांस के 6,000 सैन्य कर्मियों ने पेरिस में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस परेड में फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती की मिठास घोली और पीएम मोदी को इसके लिए खास मेहमान के तौर पर बुलाया। पीएम मोदी, राष्ट्रपति मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजेट के साथ परेड के अलग अलग रंग देखते नजर आए। अमूमन हर साल किसी विदेशी नेता को इस परेड में मेहमान के तौर पर बुलाने की यहाँ वैसी परंपरा नहीं जैसी हमारे गणतंत्र दिवस में है। 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मेहमान थे। 2017 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया था। इस बार जब भारत फ्रांस की रणनीतिक दोस्ती के 25 साल पूरे हुए हैं तब फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास मेहमान बनाया है। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद जब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने भारत से मुंह मोड़ लिया था तब फ्रांस ने आगे बढ़कर भारत की मदद की थी। भारत के परमाणु कार्यक्रम को उसकी जरूरत बताते हुए उसे आगे बढ़ाने में सहायता की थी। अब दोनों देश साथ मिलकर रणनीति और अर्थनीति की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। पेरिस से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का जो सुरेंद्रनगर से आ रही है। सुरेंद्रनगर में बीजेपी नेता राजूभाई ठाकुर की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई है। राजूभाई पाटडी शहर में बीजेपी के उपाध्यक्ष थे। घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी के विधायक समेत कई लोग राजूभाई के परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। गुजरात में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जिससे लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। राजूभाई की उम्र काफी कम बताई जा रही है फिर भी हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली है। देश की आन बान शान से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो गुजरात के लोग खुले दिल से उसका सपोर्ट करते हैं। मिशन चंद्रयान 3 को लेकर भी गुजरात में खासा उत्साह नजर आया। जामनगर में चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए मंदिरों में स्पेशल पूजा अर्चना की गई थी जिसने वाकई में सबका दिल जीत लिया। 2, 1, 0 चांद पर जय हो, चांद पर होगी अगस्त क्रांति, नहीं कोई शंका, दुनिया में बजेगा भारत का डंका। Every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. 23 अगस्त को चांद पर लहराएगा तिरंगा, भारत का बाहुबली
चांद पर करेगा लैंडिंग और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। आज जैसे ही घड़ी में दोपहर 2:35 हुए, ठीक इसी समय आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 से चंद्रयान-3 ने चांद के लिए उड़ान भरी। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की एक और लंबी छलांग मानी जा रही है। भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। लॉन्चिंग के ठीक 16 मिनट बाद चंद्रयान को रॉकेट ने ऑर्बिट में प्लेस किया। इस दौरान इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के साथ सभी बड़े वैज्ञानिक मिशन कंट्रोल रूम में मॉनिटर पर टकटकी लगाए बैठे थे। लॉन्चिंग के वक्त और उसके कुछ समय बाद स्पेस सेंटर का माहौल देखने लायक था। चेहरे पर खुशी के भाव भी थे और इस पल में वैज्ञानिकों के साथ वहां मौजूद सभी लोगों के लिए अपनी भावनाएं कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. स्पेस सेंटर में मौजूद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पल भारत की गौरव गाथा में एक नया अध्याय जुड़ेगा। Thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, "Sky is not the limit." And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. अब इसरो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहन कुमार को सुनिए, वो कैसे इस पल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। Respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan-3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. इसरो चीफ एस सोमनाथ इस मौके पर काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि हम सभी प्रार्थना करेंगे कि जल्द ही चांद पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो जाए। Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit raising maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. ISRO chief S. Somnath is mauke par kafi bhavuk nazar aaye. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. Chandrayaan 2 ki launching ke 3 saal, 11 mahine aur 23 din baad Bharat ne Chandrayaan 3 mission launch kiya hai. Pichli nakami ko dekhte hue Hindustan ke 140 crore log saans rok kar Chandrayaan 3 ki launching dekh rahe the. गुजरात के जामनगर में तो लोगों ने चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की। देखिए, जय श्री राम के नारों के साथ एक शख्स ने पूजा के थाल को अपने सिर पर रखा और हनुमान मंदिर की परिक्रमा करने लगा। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए बकायदा बैनर लगाकर प्रार्थना की अपील भी की गई। इसके बाद हनुमान मंदिर में लंबा पाठ चला और सभी ने मिशन चंद्रयान 3 के लिए आराधना की। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में रह रहे भारतवंशी चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
हर हिंदुस्तानी को यकीन है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत जरूर रंग लाएगी और भारत एक बार फिर अंतरिक्ष में सफलता की नई इबारत लिखेगा। आज तक ब्यूरो। किसी राज्य के पूर्व गृह मंत्री को अगर 7 साल की जेल हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना बड़ा, कितना हाई प्रोफाइल और कितना गंभीर होगा। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और दूध सागर डेयरी के पूर्व चेयरमैन विपुल चौधरी करोड़ों के घोटाले में फंस गए हैं, हेराफेरी धोखाधड़ी का षड्यंत्र रचते रहे हैं, लेकिन उन पर किसने हाथ डालने की कोशिश की है ये हम सब जानते हैं। आपको ये भी बता दें कि अब कहा जा रहा है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री को बड़ा झटका, विपुल चौधरी को 7 साल की सजा, 22 करोड़ का खेल, 15 गए जेल। किसी राज्य के पूर्व गृह मंत्री को अगर 7 साल की जेल हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना बड़ा और कितना हाई प्रोफाइल और कितना गंभीर होगा। जी हाँ, ये कोर्ट में सिद्ध हो चुका है कि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी घोटालों के बादशाह हैं। उनके घोटालों का काला खेल साल 2005 में ही शुरू हो गया था, जब वे दूध सागर डेयरी के चेयरमैन बने थे। उम्मीद थी कि विपुल चौधरी डेयरी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन हुआ उससे उलट। विपुल चौधरी ने डेयरी को ही 22 करोड़ का चूना लगा दिया। विपुल चौधरी को लग रहा था कि अपने रसूख और भारी जनसमर्थन की वजह से वो बच जाएंगे, लेकिन मेहसाणा कोर्ट में उनकी एक न चली और अदालत ने विपुल चौधरी समेत कुल 15 दोषियों को सागरदाना घोटाले के आरोप में 7 साल की सजा सुना दी। मने तो एवं देखाय छे के आमा कोई गुनो कर्यो नथी, आखरे गाय अने भैंस दुष्काळ में એને મદદરૂપ થવું, સહકારિતા રાખવી, આ સહકારી ભાવના હોવી જોઈએ। અમૂલ AMUL એનું રજિસ્ટ્રેશન 1947માં પુણેના રજિસ્ટ્રાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। મુંબઈ રાજમાં જ્યારે રાજ એક હતું ત્યારે આ સહકારી ભાવના આજે 75 વર્ષે શું આવી રીતે આપણે અસહકારી વલણ અપનાવીશું? કોણ કિન્ના ખોરી કરી રહ્યું છે શું લાગે છે? સવાલ વ્યક્તિઓનો નથી, વ્યવસ્થાઓનો છે। સહકારી ભાવના લાગણી કોઈ પણ કર્મમાં ઈરાદો શું છે? તો ઈરાદો તમારો જીવદયાનો હોય, ઈરાદો તમારો સહકારિતાનો, ઈરાદો તમારો જીવદયાનો હોય તો એ કુદરતના ન્યાય પ્રમાણે ગુનો બનતો નથી। लेकिन विपुल चौधरी के घोटालों की दास्तान सिर्फ 22 करोड़ तक सीमित नहीं रही है, ये फहरिस्त काफी लंबी है। विपुल चौधरी 2005 से लेकर 2016 तक दूध सागर डेयरी के चेयरमैन रहे। उन पर 11 साल के कार्यकाल में 6 घोटालों और हेराफेरी का आरोप है। विपुल चौधरी के कार्यकाल के दौरान 320 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। कोर्ट ने भी विपुल चौधरी पर हेराफेरी और भ्रष्टाचार के आरोप को सही माना। एंटी करप्शन ब्यूरो भी विपुल चौधरी को एक बार गिरफ्तार कर चुका है। ACB अब भी कई मामलों में विपुल चौधरी के खिलाफ जांच कर रही है। 2014 साल में गुनो दाखल थयेलो अने कुल 22.50 करोड़ सागरदान अने ट्रांसपोर्टर खर्च सहित महाराष्ट्र में जे खर्चो करेलो, तो दूधसागर डेरीना तत्कालीन चेयरमैन विपुलभाई चौधरी अने फेडरेशनना पण तत्कालीन चेयरमैन विपुलभाई चौधरी द्वारा पोताने NDDBना चेयरमैन बनवानुं होय તે કારણે શરદ પવાર સાથે મુલાકાત કરી અને સાગરદાન મોકલાવવાનું કમિટમેન્ટ કરીને એ મુજબ એમને સાગરદાન મહારાષ્ટ્રને દાન કરેલું હતું તેવી વિગત આ કેસમાં આવેલી હતી। પરંતુ પાછળથી વિપુલ ચૌધરીની દૂધસાગર ડેરી દ્વારા મહાનંદા ડેરીને એડવોકેટ મારફતે નોટિસ આપી અને સાગરદાનના પૈસા પરત જે કંઈ માલ મોકલાવેલો એના પૈસાની માગણી કરેલી, એટલે એક બાજુ એમને સખાવત કરવાની વાત હતી અને એક બાજુ એમને એડવોકેટ મારફતે નોટિસ આપીને પૈસા ની માગણી કરેલી, એટલે કોર્ટે આ બધા પુરાવા ધ્યાને લીધા હશે। પરંતુ આખો સમગ્ર ચુકાદો મેં હજુ વાંચ્યો નથી, સમગ્ર ચુકાદો વાંચીને વિગતવારની માહિતી આપ સાથે આપું। વિપુલ ચૌધરી ગુજરાતમાં કરોડો કા ઘોટાલા કરતે રહે, હેરાફેરી ધોખાધડી કા ષડયંત્ર રચતે રહે, લેકિન ઉન પર કિસીને હાથ ડાલને કી કોશિશ ક્યું નહીં કી? અબ ઇસકા કારણ ભી જાન લીજીએ। વિપુલ ચૌધરી કોંગ્રેસ ઓર બીજેપી દોનો હી પાર્ટીઓ મેં રહે ચુકે હૈ। 1995 में पहली बार बीजेपी के टिकट से विधायक चुने गए। केशुभाई पटेल की सरकार में राज्य मंत्री बने। 1996 में उन्होंने केशुभाई की सरकार को गिराने में शंकर सिंह बाघेला का साथ दिया। बाद में शंकर सिंह बाघेला सरकार में गृह मंत्री बने। 2002 में विपुल चौधरी ने शंकर सिंह बाघेला के खिलाफ ही बगावत कर दी। इसके बाद साल 2005 में दूध सागर डेयरी के चेयरमैन बन गए। साल 2022 में उन्होंने अपनी अर्बुदा सेना बुलाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी।
विपुल चौधरी गुजरात डेयरी राजनीति के बड़े चेहरों में शामिल हैं। उत्तर गुजरात में चौधरी समाज के भी बड़े नेता माने जाते हैं। अपने बड़े राजनीतिक कद और अलग अलग सरकारों में पैठ बनाने की वजह से विपुल चौधरी आज तक अपने गुनाहों को छिपाते रहे, लेकिन अब मेहसाणा कोर्ट ने उन्हें 22 करोड़ के एक घोटाले में 7 साल की जेल की सजा सुना दी है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ भी विपुल चौधरी दोबारा अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। केदारनाथ की यात्रा पर गई एक गुजराती श्रद्धालु की मौत की खबर आई है। बताया ये जा रहा है कि केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर अचानक से पहाड़ी से मलबा गिरा था। इस मलबे की चपेट में आने की वजह से 2 श्रद्धालु खाई में जा गिरे। इसमें सूरत से आई अक्षता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बिहार से आया शिवांश गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा गौरीकुंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। सुरेंद्रनगर जिले के समधियाला गांव में खेती की जमीन को लेकर 2 दलितों की हत्या के बाद बवाल सा मचा है। इस पर खूब राजनीति भी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता भी पीड़ित से मिलने के लिए पहुंचे, परिवार से उन्होंने मुलाकातें की हैं। दरअसल पीड़ित परिवार और अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने दोनों ही शवों को स्वीकार करने से मना कर दिया था और अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब दोनों चचेरे भाइयों के शवों को परिवारों ने स्वीकार कर लिया है। परिवार की ओर से की गई सभी मांगे पुलिस विभाग ने मान ली है। हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आईजी अशोक कुमार यादव की मौजूदगी में समझौता किया गया। परिवार के सदस्यों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की भी मांग स्वीकार की गई है। क्या हम तबाही के करीब जा रहे हैं? ये सवाल उठा है गांधीनगर IIT के वैज्ञानिकों की एक रिसर्च के बाद, जिसमें ये दावा किया गया है कि साल 2040 तक भारत में एक ही समय में 2-2 मौसम दस्तक दे देंगे, जिससे कि इंसानी जान पर मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका एक बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। पहले पेपर जॉय ने मचाया कोहरा, अब गुजरात में बाढ़ बारिश से त्राहिमाम। कभी कहर बरपाने वाली चिलचिलाती गर्मी, तो कभी हाल कपा देने वाली सर्दी का सितम। क्या 2040 में मिट जाएगा दुनिया का नामो निशान? इस वक्त पूरे देश में चारों तरफ तबाही का मंजर है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। गुजरात में विपरजॉय के जख्म भरे भी नहीं थे कि बाढ़ और बारिश ने रही कई कसर पूरी कर दी। पिछले कुछ सालों से मौसम के मिजाज में कुछ ज्यादा ही बदलाव देखने को मिला है। दरकते पहाड़, पिघलते ग्लेशियर और पानी के प्रचंड प्रहार ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। क्या आने वाले दिनों में इंसानी जान पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या ये तबाही का अलार्म है? क्या तबाही के बहुत करीब पहुँच गए हैं हम? जरा सोचिए, जरा सी बारिश में ये हाल है तो आने वाले दिनों में हमारा क्या होगा, जब एक समय पर 2-2 मौसम की मार इंसानी जान की मुसीबत बढ़ाएगी। पिछले 10 सालों में बाढ़ बारिश और सूखे का सितम हम सब ने देखा है। क्या आने वाले 10 सालों में हालात और भयावह होने वाले हैं? क्या 2040 तक आते आते हमें एक साथ 2-2 मौसम की मार झेलने के लिए तैयार रहना होगा? क्या 2040 में मिट जाएगा दुनिया का नामो निशान? ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों का। साइंटिस्ट बिमल मिश्रा की टीम ने जो रिसर्च की है वो सोच सबको डराती है, हमें सचेत रहने को कहती है। तेजी से बदलते मौसम ने सबका जीना मुहाल कर रखा है। IIT शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत में 2040 तक हालात और ज्यादा संजीदा होने वाले हैं, कि आने वाले समय में हमको और ज्यादा ये इवेंट्स जल्दी जल्दी देखने को मिले और इनके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। समर में या गर्मी के सीजन में हीट वेव और मानसून सीजन में जो बाढ़ और हैवी रेनफॉल की जो घटनाएं हैं वो बैक टू बैक एक के बाद एक, और वो कैसे बढ़ेंगी। IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से सबसे ज्यादा असर अधिक जनसंख्या वाले देशों पर देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा बाढ़ बारिश और सूखे का रहेगा। हीट वेव का असर भी सबसे ज्यादा भारत में ही देखने को मिलेगा। यही नहीं, एक ही समय पर 2-2 मौसम एक साथ दस्तक देंगे, जिससे इंसानी जान पर मुसीबत और बढ़ जाएगी। देखिए, इसको अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब भी 2 से 3 या 4 गुना बढ़ोतरी तो होने की पूरी संभावना है। जैसे आप देखेंगे
कि 2030 तक ये जो 1.5 डिग्री है, 1.5 डिग्री का जो हमारा टारगेट है उसको हम ब्रीच कर जाएंगे। जैसा कि अभी हम पिछले आप देखेंगे जो पब्लिश्ड रिसर्च है उससे हमको यही पता लगता है। वक्त रहते हालात पर काबू नहीं कर पाए तो आने वाले दिन और भी ज्यादा डराने वाले साबित हो सकते हैं और इस तबाही का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन होगा। रिसर्च में दावा किया गया है कि बढ़ते तापमान में कम से कम 1.5 डिग्री तक तापमान कम करना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में हालात हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।